नमस्ते जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और कुछ टाइम से मैं अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि मैं व्यस्त था, मैं बिजी था इस स्टूडियो को बनाने में। ना ये कौन सा स्टूडियो है, ये वही स्टूडियो है जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, और उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज किया है, थोड़ा सा और इस पे चीजें की है। मैं आपको बताता हूँ क्यों और किस तरीके से हमने उसको इम्प्रोवाइज किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल एक लुक देता हूँ अभी तक क्या काम चल रहा है। तो स्टूडियो का लुक जो है वो अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ ये जो चीजें हैं ये अभी फैब्रिक है, जैसे लास्ट टाइम हमने प्लाई यूज किया था, प्लाई को हटा के हमने फैब्रिक रिप्लेस किया, वही फ्रेमिंग है और उसके ऊपर हमने पिंस लगाए थे, उसके ऊपर हमने बिट लगाया है, ये वाला जो आपका साइड है, और इलेक्ट्रिफिकेशन बचा हुआ है यहाँ पे, भगवान जी की तस्वीर ले आए हैं पापा पहले, और ये सारी चीजें अभी के लिए ऐसी दिख रही है सेटअप जो है। तो जैसे आपने देखा बहुत हद तक चीजें हो गई हैं, स्टूडियो काफी अच्छा लग रहा है, स्पेशियस लग रहा है कलर की वजह से। ऑफ कोर्स एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी स्टूडियो में है। नाउ इस मेजर प्रॉब्लम को समझने के लिए एक हम क्लैप टेस्ट करते हैं। तो मोर और लेस मैं अपने स्टूडियो के सेंटर पे हूं अभी, और अभी अगर मैं यहाँ पे क्लैप करूं तो आपको स्प्रिंग मेटालिक टाइप साउंड सुनाई दे रहा होगा। नाउ ये जो है इसको हम कहते हैं फ्लटर इको। नाउ शुरुआत में मुझे लगा था क्योंकि शायद इंसुलेशन कम है या कोई और रीजन है इस फ्लटर इको का, लेकिन जो रियल रीजन है वो है ये सीलिंग और फ्लोर, क्योंकि मेरा फ्लोर कंक्रीट है, इस पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, और ऊपर जो रूफ है वो भी बिल्कुल ब्रिक रूफ है। इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन है वो ऊपर नीचे बाउंस हो रही है। एक सिंपल तरीका जिससे हम ये डायल डाउन कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ दोबारा अगर हम क्लैप करें तो आप देख सकते हैं वो फ्लटर एको बिल्कुल गायब है, और ये मेरे वोकल्स में भी बहुत प्रोमिनेंटली मुझे सुनाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो एको बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि हम इसको नीचे गिरा के इस तरीके से तो नहीं रख सकते, जिसकी वजह से मैं इन सारों को माउंट करूंगा अपने सीलिंग पर। आइडिया ये है कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे कील का इस्तेमाल करते हुए, और फिर इनको रैप करेंगे अपने नए फैब्रिक से ताकि इनको हैंग करे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि मैं इसको डालूंगा इसके अंदर, तो जो लाइटिंग है क्योंकि अभी वो ऊपर ट्यूब्स लगे हैं, मैं चाहता हूँ इसको चेंज करूँ मैं, और इसको मैं यहाँ डालूँ ना। अगर मैं इसको तोड़ यहाँ पे फाड़ देता हूँ तो ये कपड़ा फटने लग जाएगा, सो आई हैव टू फिगर आउट अ वे। तो ये हम इस तार को लंबा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डर करके हीट श्रिंक लगा के हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। मैंने कपड़े को हाफ में फोल्ड किया, आप यहाँ पे कट करें, कट। सो ये मुझे नहीं पता है क्या है, बट ये 8 साइड्स वाला मामला बन रहा है यहाँ पे छेद बन गए, और इसके पीछे साइड ये है। तो मैं सोचा हूँ इसको यहाँ पे स्टिच कर देता हूँ, क्योंकि कपड़ा जब खींचेगा तो चांसेस है कि ये फट जाए। पहले मार्क करेंगे हम इसका सेंटर, सेंटर से हम मेजर करेंगे 20 सेंटीमीटर। इस साइड का भी सेंटर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लगाएंगे हम सेंटर, और इस पे हम बनाएंगे गोल चक्कर। हमें लाइट की वजह से ज्यादा नहीं दिख रहा, बट ये देखो पहले करेंगे एक छेद, और छेद के अनुसार इसको हम थोड़ा सा काट लेंगे। नाउ वी विल कट अ केक इसके अंदर। कॉर्यूगेटेड नाइफ होना चाहिए, थोड़ा सा। कल मैंने जो काट के स्टिच किया था वैसा दिखता है। इसमें से ये तार पास करेंगे, ये लाइट को पास करेंगे, नेक्स्ट है कि हम इस तार को इसके थ्रू पास करें। थोड़ी सी मेहनत है बट चलेगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको अंदर की साइड करो, फिर अंदर की साइड करो, सुन जाए, फिक्स ना दे जाए, और इसके बैक साइड पे स्टिप हो जाएंगे। ये जो पैनल्स हैं इनको टांगेंगे ऊपर, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो गया, इवन दो मैं नहीं चाहता था। सो दैट आई हैव मेड अ कंप्लीट प्लान यहाँ पे। इट्स अ वेरी बेसिक प्लान अभी के लिए। विल यूज दिस ड्रिलिंग मशीन। ओके, तो एक हमने यहाँ पे लगा दिए, और जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। एक तो मेजरमेंट तो आपको करना ही है, साथ में मैं पहले इसको ड्रिल कर रहा हूँ, देन आई एम पुटिंग दिस इन। सो इट्स लाइक जो पकड़ के रखेगा उसको। नाउ सिंस दिस गाय इज नॉट अ नील, तो इसको हम फोक नहीं सकते।
और क्योंकि ये ऊपर है तो और भी नहीं हो सकता। कि वैसे मुझे क्या करना है, पहले मैं एक ड्रिल कर रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, फिर मैं एक नेल ठोक रहा हूँ इसके अंदर, अगेन आई हैव टू पुल आउट द नेल एंड देन फिक्स दिस, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, तो बहुत जद्दोजहद के बाद ये हमारा पैनल हमने लगाया है। इवन तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अभी कनेक्शन नहीं है, और जैसे आप ये देख सकते हैं तो ये यहाँ पे लाइट जलेगा और बहुत खूबसूरत लगने वाला है एक्चुअल में। वेरी प्राउड, दैट इज़ हाउ यू फिक्स अ सीलिंग अब्सॉर्बर। नाउ ये जो रीज़न है, इसको सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरा अचानक से सर में दर्द होने लगा जब मैं वापस आया और इस स्टूडियो में बैठ के काम करने लगा। जब मैं लॉन्गर आवर्स पे काम करता था, मेरे सर में दर्द होता था और मैं उसको समझ नहीं पा रहा था किस वजह से मेरे दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर गया और मुझे कोई फिक्स नहीं मिल रहा था। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी वापस आने के बाद, वो ये है कि असम का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड है, यानी कि इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। जो ये प्लाई मैंने लास्ट टाइम लगाया था ना, उनके ऊपर ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोल्ड आने लग गया था, कहीं ना कहीं वो जो फंगस है वो चढ़ने लग गया था, बिकॉज वो जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो उस प्लाई को उस तरीके से ट्रीट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लो नहीं है ज़्यादा इस स्टूडियो में। दैट इज़ व्हेन इट हिट मी, और मुझे लगा कि भाई शायद ये इसकी वजह से हो रहा। मैंने पढ़ा जाके और मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ सर दर्द ही नहीं, आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है अगर आप इस तरीके की चीज़ों को ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आप इनको रेगुलरली सांस ले रहे हैं। तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में घूम रहे होते हैं और ये आपके नाक में घुस सकते हैं, मुंह के थ्रू अंदर जा सकते हैं और आपको ब्रोंकाइटिस वगैरह बहुत कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। सडनली मेरे दिमाग में स्ट्राइक आया, मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने फैब्रिक ऑर्डर किया स्ट्रेट अवे फ्रॉम बॉम्बे एंड मैंने कारपेंटर्स फिक्स किए, मैंने पूरा प्लान डिजाइन किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। हमें खत्म करने में 2 दिन लग गया, मैं उस प्रोसेस को कवर नहीं कर पाया, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा मैं इस पे इन्वॉल्व होना चाहता था, स्टेपल्स वगैरह मैं मारना चाहता था, क्लीन काम करना मैं चाहता था, जिसकी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मोर और लेस आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्यों हम कर रहे हैं। अब जब हम ऊपर अब्सॉर्बर्स लगेंगे और फाइनल जो स्टूडियो का सेटअप होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट। और हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है, लुक्स वेरी नाइस, वहाँ पे लाइट है एंड वी हैव अनदर सीलिंग अब्सॉर्बर राइट हियर व्हिच आल्सो लुक्स वेरी नाइस। अब दिस इज आवर सेटअप एंड देयर आर द सीलिंग अब्सॉर्बर्स एंड सरप्राइजिंगली ये लाइट्स चेंज भी कर सकते हैं आप, सो वी कैन स्विच देम ऑफ एंड गेट अ डिफरेंट कलर। वू, क्या बात है।